अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है असदुल्ला और आप देख रहे हैं YouTube चैनल दी AIOU। उम्मीद है तमाम फ्रेंड्स खैरियत से होंगे। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने खिजान 2022 के अंदर मैट्रिक और इंटरमीडिएट का जो रिज़ल्ट है उसको अनाउंस कर दिया है। अगर किसी बच्चे ने अभी तक अपना रिज़ल्ट चेक नहीं किया तो वो अपने CMS पोर्टल से माई एग्ज़ाम एंड ग्रेड के अंदर जाकर अपना जो रिज़ल्ट है वो चेक कर सकता है। अगर स्टूडेंट्स ने अपना रिज़ल्ट चेक किया, रिज़ल्ट चेक करने के बाद उनको समझ नहीं आ रही कि वो रिज़ल्ट के अंदर पास हैं या फेल हैं, और अगर फेल हैं तो वो किस रीज़न से फेल किए गए हैं, आज की स्टूडियो के अंदर रिज़ल्ट कार्ड के हवाले से आपको तफसील से गाइड किया जाएगा। आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो बगैर आपका टाइम वेस्ट करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब आप अपना रिजल्ट चेक करते हैं, सेमेस्टर आटम 22 के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस शो हो रहा होगा। अगर वहाँ पर तमाम स्टूडेंट्स पास शो हो रहे हैं, तमाम सब्जेक्ट आपके पास शो हो रहा है, तो आपको मुकम्मल जो सेमेस्टर है वो क्लियर हो चुका है, इसमें कोई भी मसला नहीं है। अगर वहाँ पर किसी सब्जेक्ट के सामने जीरो शो हो रहा है तो उसके सामने आपको व्यू पोस्ट डिटेल का ऑप्शन नजर आएगा। उस व्यू पोस्ट डिटेल के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है, फिर इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पर मैट्रिक FAICOM वाले बच्चों ने एक बात नोट करनी है कि जो फाइनल एग्जाम है वहां पर आपके 40 नंबर होने चाहिए, और BA BCOM BS BEd और मास्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके यहाँ पर 50 नंबर होने चाहिए। तो अगर यहाँ पर आपके 40 से कम नंबर हैं तो आपका सब्जेक्ट फेल है, उसको दोबारा एडमिशन होगा। अगर वहाँ पर आपके 40 से ज़्यादा नंबर हैं तो सेकंड चीज़ आपने ये देखनी है कि आपके असाइनमेंट में से 10-15 नंबर बन रहे हैं या नहीं बन रहे। अगर सिर्फ 40 नंबर हैं और असाइनमेंट्स भी जमा नहीं करवाई तो भी आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि असाइनमेंट में से आपने 10 नंबर लेने हैं तो ही आप पास हो सकेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने अपना रिजल्ट चेक करना है। अगर रिजल्ट के अंदर एफ शो हो रहा है तो उसका मतलब फेल है। अगर वहाँ पर फाइनल एग्जाम के अंदर 0 नंबर शो हो रहा है तो इसके हवाले से मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल मैं आपको रिजल्ट कार्ड समझा रहा हूँ कि अगर वहाँ पर एफ शो हो रहा है तो इसका मतलब आप फेल हो चुके हैं। A, B, C और D ये ग्रेड होते हैं, इसके अंदर जितने भी स्टूडेंट्स का ये ग्रेड शो हो रहा है इसका मतलब वो सब्जेक्ट है वो उनका पास हो चुका है। तो इस तरीके से आपने अपने रिजल्ट कार्ड को चेक करना है। अगर किसी बच्चे का भी रिजल्ट शो नहीं हो रहा तो आने वाले कुछ दिन के अंदर रिजल्ट जो है वो शो कर दिया जाएगा, तो उसमें परेशानी वाली कोई भी बात नहीं है। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अपडेट आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज़।